हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास टेंथ आपका चैप्टर चल रहा था फीस्ट ऑफ डेड, मृत लोगों का भोजन। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर में परिवार की मैन धुरी दर्शन आगा की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी पत्नी गुलनाज और दो बच्चे रह गए थे। दर्शन आगा कौन था ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। दर्शन आगा ए वाटर कैरियर, पानी ढोने वाला था। एक स्थान से, जल स्रोत से पानी भरकर के ले जाता था और दूसरे घरों में पानी की सप्लाई, पानी की आपूर्ति वो किया करता था। और इसके बदले में वो पैसे लिया करता था। एक सप्लाई, एक बार या एक ट्रिप का 3 क्रूस लिया करता था। ये आपका यहाँ आंसर भी बनता है एक प्रश्न का कि एक ट्रिप का कितना पैसे दर्शन आगा लिया करता था। तो दर्शन आगा एक ट्रिप का 3 क्रूस लिया करता था। प्यारे विद्यार्थियों, इसी में आगे हम चलते हैं। आप अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 36, नीचे से दूसरा पैरा है। नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली। नाउ अब ऑल दिस, यह सभी हैड एंडेड माने समाप्त हो चुका था, सडनली माने अचानक से। कौन सी चीज समाप्त हो चुकी थी? दर्शन आगा मर गया था और उसकी पत्नी जो घरों में काम किया करती थी, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, वो कपड़े और बर्तन धोते समय कुछ थोड़ा सा अधिक पानी वेस्ट किया करती थी, अधिक पानी फैलाती थी, जिससे कि दर्शन आगा से वे लोग ज़्यादा पानी मंगवाते थे और उसको इस तरीके से कुछ ज़्यादा लाभ हो जाया करता था। लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। क्यों हो चुका था समाप्त? क्योंकि अब दर्शन आगा मर चुका था और गुलनाज अब दूसरे घरों में कपड़े धोने भी नहीं जाती थी और अब उनके परिवार को भोजन खिलाने वाला कोई भी नहीं था। दर्शन आगा हेड स्लिप्ड माने फिसल गया था। वाइल ट्राइंग, कोशिश करते समय। टू स्टैंड अप माने खड़े होने की। ऑन द आइस माने बर्फ़ पर खड़े होने की वो कोशिश कर रहा था। यानी कि जल स्रोत से जब वो पानी भर कर के ला रहा था तो ठंड की वजह से वहाँ पानी बर्फ़ बन गई थी और बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा था। उस बर्फ़ के बहुत बड़े टुकड़े पर वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था तो वो फिसल गया था। दैट हैड हार्डन, जो बर्फ़ का टुकड़ा हैड हार्डन माने कठोर हो गया था। ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, पिछली रात के दौरान। ड्यूरिंग माने के दौरान, द प्रीवियस माने पिछली और नाइट मीन्स रात्रि। एंड हिट हिज हेड, और हिट माने चोटग्रस्त कर लिया था। हिज हेड अपने सिर को। ऑन द स्टोन बाउल, एक पत्थर के, स्टोन माने पत्थर के, बाउल माने किनारे से। अंडर द टैप, किसके नीचे? टैप माने नल की टोंटी के नीचे। टैप मीन्स क्या होता है? नल की टोंटी को टैप बोलते हैं। उसके नीचे एक बर्फ़ के टुकड़े का क्या बन गया था? एक किनारा बन गया था, उससे उसका सिर लग गया था पत्थर से। वहन गुलनाज हियर द न्यूज़, जब गुलनाज ने, हु वॉज गुलनाज, कैन यू टेल मी हु वॉज गुलनाज, जब गुलनाज ने हियर सुना द न्यूज़ समाचार, सी फ्रोज, तो वह जड़वत रह गई थी। फ्रोज माने जम गई थी, जड़वत रह गई थी। डियर स्टूडेंट्स, फ्रीज की सेकेंड फॉर्म है फ्रोज एंड थर्ड फॉर्म इज फ्रोजन। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, ओके। व्हाट वॉज सी गोइंग टू डू नाउ? नाउ अब व्हाट, क्या शी वॉज गोइंग टू डू, वह करने जा रही थी, मतलब अब वह क्या करेगी? व्हाट विल बी हर एंड हर चिल्ड्रंस फ्यूचर, उसके और उसके बच्चों का और उसका क्या भविष्य होगा?
इट वॉज नॉट इजी, यह आसान नहीं था। टू बी लेफ्ट माने छूटा जाना, छोड़े जाना, विद टू चिल्ड्रन मान दो बच्चों के साथ। वन 9 years old, एक बच्चा 9 वर्ष का था, एंड द अदर 6, और दूसरा बच्चा 6 वर्ष का था। प्यारे बच्चों, गुलनाज जिसके पति का नाम दर्शनागा, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उनके 2 बच्चे थे, एक 9 वर्ष का और दूसरा 6 वर्ष का। हाउ कुड सी फीड, हाउ माने कैसे, कुड सी फीड वह भोजन खिला सकती थी देम उनको, ओनली केवल बाई वॉशिंग माने धोते हुए, क्लॉथ्स माने कपड़े, 2 or 3 times माने 2 या 3 बार, ए वीक माने 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह में 2 या 3 बार वो कपड़े धोते हुए कैसे अपने बच्चों को भोजन खिला सकती थी। सी थॉट एंड थॉट, उसने थॉट सोचा, एंड थॉट और सोचा, मतलब लगातार सोचा, बार बार सोचा, बट कुड नॉट रीच ए डिसीजन, बट लेकिन कुड नॉट रीच नहीं पहुंच सकी ए डिसीजन माने एक निर्णय पर, कोई जजमेंट नहीं कर पा रही थी वो क्या करे, क्योंकि इस तरीके से 1 सप्ताह में 2 या 3 बार, 1 सप्ताह में 2 या 3 बार वह कपड़े धोते हुए अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकती थी। इट इज ए ट्रेडिशन, नेक्स्ट पैरा है बच्चों, इट इज ए ट्रेडिशन, यह एक परंपरा है। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, और ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। यह परंपरा है फॉर द नेबर्स, पड़ोसियों के लिए, टू सेंड माने भेजना, फूड मीन्स भोजन, पड़ोसियों के लिए भोजन भेजना परंपरा है। फॉर ए डे माने एक दिन के लिए, और 2 या 2 दिन के लिए, टू द हाउस उस घर में, वेयर डेथ हैज ऑकर्ड, जहां मृत्यु हुई है, जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर में 1 या 2 दिन तक भोजन भेजना, पड़ोसियों के लिए भोजन भेजना क्या है, परंपरा है। द फर्स्ट मील, पहला भोजन, केम आया टू गुलनाज, किसके लिए, गुलनाज के लिए, द वाइफ ऑफ दर्शन आगा, हु हैड 2 children, 1 9 years old एंड अदर इज 6 year old, एंड अ चिल्ड्रन, और उसके बच्चे, जो पहला भोजन गुलनाज और उसके बच्चों के लिए भेजा गया था फ्रॉम द वाइट हाउस, सफ़ेद घर से, वाइट हाउस या सफ़ेद घर बोलेंगे, वो वाइट हाउस नहीं जो आप सोच रहे हो। चलिए, पैरा चेंज करने के साथ साथ आपको यहाँ पृष्ठ भी चेंज करना है। 37 पेज पर आ जाइए। फ्रॉम द वाइट हाउस, सफ़ेद घर से भेजा गया था, वेयर रेफ एफेंडी, जहाँ रेफ एफेंडी द वेल्दी बिजनेसमैन, रेफ एफेंडी नाम का वेल्दी माने धनवान, बिजनेसमैन माने व्यापारी, लिव्ड रहता था, एट नून दोपहर में, ऑन द डे उस दिन दोपहर में, आफ्टर दर्शन आगा डाइड, दर्शन आगा मर गया था उसके बाद, द मैड फ्रॉम द वाइट हाउस, द मैड माने नौकरानी, फ्रॉम द वाइट हाउस उस सफ़ेद घर से, अपीयर्ड प्रकट हुई, आई विद ए लार्ज ट्रे माने एक बहुत बड़ी ट्रे के साथ, प्लेट के साथ, तस्तरी के साथ, ऑन इट इस ट्रे में, वर्थी डिशेज माने तस्तरियाँ, व्यंजन ऑफ नूडल्स, नूडल्स का, नूडल्स को कहते हैं सेवैयाँ, कुकड़ पकी हुई थी इन चिकन ब्रूथ, चिकन के, चिकन माने मुर्गी के बच्चों का मांस, ब्रूथ माने शोरबा, सम मीट कुछ मांस था, इन रिच सॉस माने बहुत ही शानदार सॉस के साथ, चटनी के साथ, चीज़ रोल्स और पनीर के रोल्स थे, पनीर के गोले थे, एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ थी। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी, वाइट हाउस से। यहाँ आपका ये प्रश्न बनता है कि पहला भोजन
व्हाइट हाउस से आया था, उस व्हाइट हाउस के मालिक का नाम क्या था, रैफ एफएनजी, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहाँ होती है कि पहला भोजन जो आया था उस रैफ एफएनजी के घर से, व्हाइट हाउस से, उसमें कौन कौन सी चीज़ें थीं, क्या क्या चीज़ें उसमें रखी हुई थीं, ये आपको यहाँ आंसर देना है। तो उसमें नूडल्स, कुकड इन चिकन ब्रोथ, सम मीट इन रिच सॉस, चीज़ रोल्स एंड स्वीट्स, दीज आर द डिशेज, ये कुछ व्यंजन हैं जो भेजे गए थे। कहाँ से? फ्रॉम द व्हाइट हाउस। द ओनर ऑफ द व्हाइट हाउस वॉज रैफ एफएनजी। दीज डिशेज वर सेंट टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन बिकॉज इन दैट हाउस द ओनर ऑफ द हाउस मिस्टर दर्शन आगा हैज डाइट। चलिए पैरा चेंज कीजिए। टू टेल द ट्रुथ, नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, बट एज सून एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे द एरोमा ऑफ द फूड बेकन्ड देम। टू टेल द ट्रुथ, सच्चाई बताने के लिए, टू टेल बताने के लिए, द ट्रुथ माने सच्चाई। नो वन हैड थॉट, किसी ने नहीं सोचा था, ऑफ ईटिंग खाने के बारे में, भाई जिस घर में मृत्यु हुई थी दर्शन आगा की, तो खाने के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था। दैट डे उस दिन, बट लेकिन एज सून एज ज्यो ही द कवर माने ढक्कन वाज लिफ्टेड हटाया गया था फ्रॉम द ट्रे माने ट्रे से, द एरोमा माने सुगंध या गंध, ऑफ द फूड माने भोजन की, गंध ने सुगंध ने बैकंड देम उनको आकर्षित किया, उनको बुलाया, उनको इशारा किया। किस चीज़ के लिए इशारा किया? भोजन करने के लिए इशारा किया। क्यों? क्योंकि उस घर से, व्हाइट हाउस से जो भोजन आया था वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, और ऐसा भोजन दर्शन आगा के परिवार ने, उनके बच्चों ने, उसकी पत्नी ने पहले कभी ऐसे भोजन के बारे में सोचा भी नहीं था। और अब जिस भोजन के बारे में वो सोच रहे हैं, वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, हालांकि उसी दिन मृत्यु हुई थी, वो उस भोजन को नहीं कर सकते थे, लेकिन भोजन की जो सुगंध थी, उस सुगंध ने उन सभी को आकर्षित किया था। दे गेदर्ड, इसलिए वे कौन? दर्शन आगा के परिवार वाले, यानी कि उसकी पत्नी गुलनाज और उसके दो बच्चे, गेदर्ड एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए, राउंड द टेबल माने मेज के चारों ओर, एंड मे बी शायद, बिकॉज, क्योंकि दे हैड नेवर हैड, दे उन्होंने नेवर माने कभी नहीं, हैड हैड माने प्राप्त किया था, रखा था, सच गुड फूड, इतना अच्छा भोजन, बिफोर मैन माने पहले, और शायद उन्होंने पहले इतना अच्छा भोजन कभी नहीं प्राप्त किया था। प्यारे बच्चों, यहाँ हेड का जिक्र दो बार किया गया है, हेड हेड। द फर्स्ट हेड हैज बीन यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब, एंड द सेकंड हेड हैज बीन यूज्ड एज ए मैन वर्ब। यहाँ हेड दो बार आया हुआ है, पहला हेड सहायक क्रिया है, जबकि दूसरा हेड मुख्य क्रिया है। इट टेस्टेड एक्सेप्शनली, इट इसने टेस्टेड माने स्वाद दिया था, एक्सेप्शनली माने अपवाद पूर्वक तरीके से, डिलीशियस माने स्वादिष्ट। इट इसने टेस्टेड माने स्वाद रखा था, एक्सेप्शनली माने अपवाद रहित, डिलीशियस माने शानदार, स्वादिष्ट। हैविंग ईटन वंस, एक बार भोजन को करने के बाद, हैविंग ईटन माने खाने के बाद, वंस माने एक बार, दे फाउंड उन्होंने पाया, इट इसको नेचुरल माने स्वाभाविक, टू सेट माने बैठना, अराउंड द टेबल मेज के चारों ओर, एट सुपर टाइम माने किसके समय, शाम के, रात्रि के, अंतिम भोजन के समय। प्यारे बच्चों, सुपर दिन का, या कह सकते हो रात्रि का अंतिम भोजन क्या कहलाता है? सुपर कहलाता है।
सुबह जो भी हम कुछ खाते हैं वो ब्रेकफास्ट कहलाता है, दोपहर में लंच कहते हैं, और दोपहर के बाद थोड़ा बहुत जो भी कुछ खाते हैं नाश्ते के रूप में वो कहलाता है रिफ्रेशमेंट। शाम को भोजन ब्यारू जिसको कहते हैं वो डिनर कहलाता है, और शाम का दिन का या रात्रि का अंतिम भोजन होता है जिस भोजन को करने के बाद हम सो जाते हैं वो कहलाता है सुपर। तो सुपर टाइम दिन के अंतिम भोजन के समय पर वे स्वाभाविक रूप से मेज के चारों ओर बैठ गए थे एंड सेटिस्फाई देयर हंगर, और सेटिस्फाई माने संतुष्ट किया था देयर हंगर अपनी भूख को विद द लेफ्ट ओवर्स माने बची हुई चीज़ों के साथ ऑफ देयर लंच, उनके लंच का, उनके लंच की बची हुई चीज़ें थी लंच में दोपहर के भोजन में, जिन्होंने जो चीज़ बच गई थी उन बची हुई चीज़ों के साथ ही उन्होंने अपना सुपर किया था, मतलब शाम का भोजन किया था। क्यों? क्योंकि उस भोजन ने उनको इतना अधिक आकर्षित किया था कि उनको भूख नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उस भोजन को खाया था। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, पैरा चेंज कीजिए, बड़ा पैरा है। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे। अनदर नेबर, दूसरे पड़ोसी ने टुक केयर माने देखभाल की ऑफ द फूड माने भोजन की फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन। अगले दिन व्हाइट हाउस से नहीं आया था भोजन, अगले दिन किसी दूसरे पड़ोसी के वहाँ से भोजन आया था, भोजन प्राप्त हुआ था। ओके, दिस वेंट ऑन, ये कार्य जारी रहा, मतलब भोजन आना जारी रहा फॉर थ्री और फोर डेज, कितने दिनों तक? तीन या चार दिनों तक भोजन आना जारी रहा, तीन चार दिनों तक भोजन आता रहा, कभी इस पड़ोसी के वहाँ से, कभी इस पड़ोसी के वहाँ से, लेकिन उन बच्चों के दिमाग में केवल और केवल भोजन कौन सा छप गया था? वो भोजन था जो रेफ एफएनडी व्हाइट हाउस का मालिक था, वहाँ से भोजन आया था, उनका पड़ोसी था, जस्ट सामने ही रहता था। दिस वेंट ऑन, ये जारी रहा फॉर थ्री और फोर डेज माने तीन या चार दिन तक। नॉन ऑफ द लेटर मील्स, नॉन माने कोई भी नहीं, ऑफ द लेटर माने बाद का, मील्स माने भोजन, वर थे एज टेस्टी, इतने स्वादिष्ट और जेनरस, इतने शानदार, एज द फूड, जितना कि भोजन स्वादिष्ट था, शानदार था, फ्रॉम द व्हाइट हाउस, कहाँ से आया था? व्हाइट हाउस से। बट देवर आल ए ग्रेट डील बेटर, लेकिन दे वे भोजन, यानी कि व्हाइट हाउस से नहीं आए थे और घरों से जो भोजन आए थे, वे भोजन भी आल मन सभी ए ग्रेट डील बेटर माने, ग्रेट डील माने अत्यधिक, बेटर माने अधिक अच्छे थे, देन एनी दैट, इस किसी भी भोजन से, दैट वाज एवर कुक्ड, जो पकाया जाता था इन गुलनाज स्पॉट माने गुलनाज के बर्तन में। गुलनाज अपने घर पर जिस भोजन को पकाती थी उस भोजन से तो अधिक अच्छा उन पड़ोसियों का भोजन था जो दर्शन आगा की मृत्यु पर उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन उन सभी से अच्छा भोजन, उन सभी से स्वादिष्ट भोजन किसका था? किसका भोजन था? वो भोजन था व्हाइट हाउस से आया हुआ। हालांकि व्हाइट हाउस के बाद जो अन्य पड़ोसियों के घर से भोजन आया था वो व्हाइट हाउस के भोजन के बराबर स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन वो गुलनाज के बर्तन में पकाए जाने वाला भोजन, गुलनाज के घर पकाए जाने वाले भोजन से कई गुना स्वादिष्ट था। इफ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, यदि दिस यह कुड हैव कंटिन्यूड जारी रह सकता था, तो गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन, गुलनाज और उसके बच्चे इजीली माने आसानी से कुड हैव बॉर्न, धारण कर सकते थे, सहन कर सकते थे देयर सोरो, अपने दुख को, टू द एंड ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन के अंत तक। बट लेकिन व्हेन द ट्रेज स्टॉप्ड, जब वो ट्रे आना बंद हो गई, द ट्रेज माने ट्रे, तस्त्रियां, थालियां, स्टॉप्ड बंद हो गई, कमिंग माने आना, एंड द कोल देवर बाइंग, और कोल माने कोयला,
दे वर बाइंग, जिसको वो खरीद रहे थे फ्रॉम द स्टोर माने भंडार से, दुकान से, ऑन द मेन स्ट्रीट माने मुख्य गली में, कुड नॉट बी बॉट, वो नहीं खरीदा जा सकता था एनी मोर माने और अधिक समय तक। कोयला किस लिए? अपने आप को गर्मी प्रदान करने के लिए। प्यारे बच्चों, जिस जगह और जिस क्षेत्र को आधार मान करके इस कहानी की रचना की गई है वो एक ठंडा क्षेत्र था, और वहाँ ठंड से बचने के लिए घरों में कोयला जलाया जाता था, जैसे कि अपने यहाँ भी सर्दियों के समय में कोयला ईंधन जलाया जाता है, लेकिन वहाँ उन क्षेत्रों में लकड़ियाँ न जला करके कोयला जलाया जाता है जिसको मार्केट से ही खरीदा जाता था। तो यही बताया गया है इसमें कि उन घरों से, पड़ोसियों से वो भोजन आना बंद हो गया था और उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। कोयला जो वो कहाँ से खरीदते थे? दुकान से खरीदते थे, उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। दे बिगेन टू रियलाइज, तो उन्होंने बिगेन शुरू कर दिया टू रियलाइज, महसूस करना, दैट की देयर सॉरो, उनका दुख वॉज था अनबियरेबल माने असहनीय। प्यारे बच्चों, बियर माने होता है सहन करना, बियरेबल सहनीय, जिसको सहन किया जा सकता है, और अनबियरेबल का मतलब असहनीय, जिसको सहन नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक तो उनको प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि उनके पास कोयला भी था, पैसा था इतना कि वो कोयला खरीद सकते थे दुकानों से, उनके पास पैसा इतना था। दूसरी बात, खाने पीने की कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि आस पड़ोस के घरों से कई दिन तक उनको भोजन मिलने लगा था। व्हाइट हाउस से भोजन आया था, फिर किसी दूसरे घर से भोजन आया था, किसी तीसरे पड़ोसी से भोजन आया था, 4-5 दिन तक 6 दिन तक उनको भोजन मिलने लगा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, वो भोजन आना भी बंद हो गया था क्योंकि पड़ोसियों से कोई जीवन भर भोजन थोड़ी आता है, केवल वो अपने डियर वंस की मृत्यु पर शोक प्रकट कर लेते हैं, और जब वो अपने दैनिक जीवन में आ जाते हैं, रूटीन आ जाता है, तो फिर वहाँ से भोजन आना भी बंद हो जाता है। तब तक तो उनको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब प्रॉब्लम आने लग गई थी क्योंकि उनके पास ना तो पैसा ही था और ना ही उनके पास भोजन का कोई प्रबंध था। द फर्स्ट डे, पहले दिन, द फूड स्टॉप्ड, भोजन स्टॉप्ड, रुक गया, पैरा चेंज करना है आपको। द फर्स्ट डे, पहले दिन, द फूड, भोजन स्टॉप्ड, रुक गया। दे कैप्ट अप देयर होप्स टिल नून, दे कैप्ट अप, उन्होंने रखा देयर होप्स, अपनी आशाओं को, टिल नून, दोपहर तक, दोपहर तक तो उन्होंने अपनी आशाओं को रखा। रनिंग टू द डोर, रनिंग, दौड़ कर जाते हुए, टू द डोर, दरवाजे पर, ईच टाइम माने प्रत्येक बार, दे हेयर्ड, वो सुनते थे, ए फुट स्टेप माने एक कदमों की आवाज, आउटसाइड माने बाहर, जब कभी भी अपने घर के बाहर कदमों की आवाज सुनते थे तो वो दौड़ करके कहाँ जाते थे, घर के बाहर दहलीज पर जाते थे। उनको लगता था कि कोई ना कोई उनको भोजन देने आ रहा था, लेकिन दोपहर हो गई थी, कोई भी उनको भोजन देने नहीं आया था। बट लेकिन इट वॉज ओनली पीपल गोइंग, जब कदमों की आवाज़ होती थी वो बाहर जाते थे तो क्या देखते, इट वॉज ओनली पीपल, ये केवल लोग थे, गोइंग जो जा रहे थे, अबाउट देयर डेली लाइव, अपने दैनिक जीवन में, दैनिक कार्य करने केवल लोग आया जाया करते थे। एट सुपर टाइम, शाम के भोजन के समय, दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, नो वन वॉज गोइंग, कोई नहीं जा रहा था, टू ब्रिंग, लाने देम, उनको फूड माने भोजन। दोपहर तक तो उनको आशा थी कि कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य आएगा, निश्चित रूप से आएगा और उनको भोजन लाएगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, दोपहर से शाम हो गई थी, सुपर टाइम, रात्रि का समय हो गया था भोजन का, तब उनको महसूस हुआ कि अब उन्हें भोजन देने के लिए कोई भी यहाँ नहीं आएगा। सो इसलिए दे हैड टू कुक, उन्हें भोजन पकाना पड़ा एट होम, घर पर, एज, क्यों, एज, जैसा कि, दे हैड डन, वो किया करते थे, बिफोर माने पहले, जैसे कि वो अपने घर पर पहले भोजन पकाया करते थे, उसी प्रकार से शाम को भी उन्हें अपने घर पर ही भोजन पकाना पड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद
आपको नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर बैठ करके अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। इफ़ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट देन यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड एनी मैसेज। ओके डियर्स, विद दिस वर्ड्स आई फिनिश माई क्लास। थैंक यू।